कैसे हो अजीत? ठीक हूँ। फिर कोई व्योमकेश के कारनामे की कहानी छपी? अरे वो तो छपती रहती है, लेकिन आप ये बताइए कि आज आप रास्ता कहाँ से भूल गए? व्योमकेश के पास कोई रास्ता भूल कर नहीं आता, जानबूझकर और सोच समझ कर आता है। व्योमकेश है कहाँ? अरे रमी बाबू, आप कहाँ से रास्ता भूल गए? अरे क्या बात हो गई, हंस क्यों रहे? भाई हंस इसलिए रहे हैं कि जो कुछ भी मैं कहने आया हूँ उसको सुनकर कोई नहीं हंस पाएगा, इसलिए पहले से ही माहौल को हल्का कर रहे हैं। अच्छा क्या बात हो गई, बैठिए। एक अजीब सी पहेली है साहब। किसने खून किया है मुझे मालूम है, क्यों खून किया है मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी गुनहगार को फांसी के तख्ते पर लटका नहीं सका क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अरे तो पुलिस के लिए सबूत ढूंढ निकालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बात नहीं है, लेकिन जब तक गुनहगार अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल न कर ले मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप गुनाह कबूल करवा सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग में कितने ही तौर तरीके खेलते रहते हैं, अगर आप कुछ करें तो। लेकिन मामला क्या है? ये कहानी सुनील और रेबा की है। सुनील धनी माँ बाप का इकलौता लड़का है, एकमात्र पुत्र जवान होकर बिगड़ गया। लड़के को सुधारने के लिए बाप ने उसकी शादी रेबा नाम की एक सुशील लड़की से कर दी, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। रेबा सुंदर तो है ही, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ चतुर और बुद्धिमान भी। शादी के बाद अपने पति के रवैये को देखकर वो उससे कट कर रहने लगी और अपने ससुर के कारोबार में उनकी मदद करने लगी। धीरे धीरे करके उसने सारा कारोबार संभाल लिया, गाड़ी चलानी सीख ली, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, खुद गाड़ी चलाकर अपने ससुर को ले जाती थी। कुछ समय बाद ससुर का देहांत हो गया। देहांत के बाद पता चला कि उसके ससुर ने सारी संपत्ति और कारोबार रेबा के नाम वसीयत कर दी थी। संपत्ति मिलने के बाद ही रेबा ने अपने पति से कहा, तुम्हें महीने के 500 रुपए हाथ खर्च के मिलेंगे और अगर बाजार में कोई उधार करो तो उसकी जिम्मेदार मैं नहीं रहूंगी। मैंने ये खबर अखबार में भी छपा दी है। हाँ अखबार में तुम्हारा ही नोटिस पढ़ रहा था। तुम्हें कुछ कहना है? नहीं कहना तो कुछ नहीं है, पिताजी की मौत से पहले बाजार से कुछ उधार लिया था। वो सब मैंने चुका दिया है, और कुछ आएगा तो भी उसे चुका दूंगी, लेकिन आज के बाद नहीं। बस बस फिर ठीक है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मेरे लिए तो 500 रुपए काफी हैं। और मैंने 4 नौकरों की छुट्टी कर दी है, सिर्फ अन्ना रहेगी, वो सब रसोई का काम संभाल लेगी। जब तुम्हें जरूरत हो तो खाना वगैरह मांग लेना, और तुम्हें अगर अपने लिए नौकर रखना है तो अपने खर्चे से रख सकते हो। नहीं मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से सुनील सीधा साधा लगता है, लेकिन अंदर से महाधूर्त और चालबाज है। जब उसने देखा कि उसके बाप के मरने के बाद उनकी सारी संपत्ति रेबा के नाम हो गई है, तो उसने रेबा से कोई झगड़ा वगैरह नहीं किया, सारी बातें चुपचाप मान ली और ज्यादातर घर पर ही रहने लगा। मुझे यकीन है कि वो हर समय यही तदबीर करता होगा कि कैसे अपने पिता के जायदाद का मालिक बने। दोनों बहुत कम साथ साथ रहते हैं, दोनों के सोने का कमरा भी अलग है। एक दिन दोनों ऐसे ही साथ में थे। रेबा, मैं कह रहा था कि तुमने हमारे घर के सामने किसी आदमी को चलते फिरते देखा है? नहीं मैंने तो कुछ गौर नहीं किया, क्यों? तुम तो ज्यादा घर पर नहीं रहती, मैं रहता हूं। कुछ दिनों से देख रहा हूं कि एक आदमी हमारे घर की ओर ताकता हुआ चला जाता है और फिर वापस आता है और फिर ताकता हुआ चला जाता है। दिखने में कैसा है वो? गुंडा किस्म का आदमी है, काला है, नौजवान, भरी हुई मूछें हैं, हट्टा कट्टा भद्दा सा। सुबह तुम पुलिस स्टेशन जाकर एक रिपोर्ट लिखवा दो, हमारी ये जगह कुछ दूर और सुनसान है
और अगर सचमुच कोई गुंडा किस्म का आदमी है तो पुलिस को आगाह कर देना अच्छा है। घर की मालकिन तुम ही हो, तुम ही पुलिस को इत्तला दो तो ज्यादा अच्छा होगा। और फिर वो इंस्पेक्टर भी तो तुम्हारे जिले का है, तुम्हें पहचानता भी है। लेकिन मैंने उस गुंडे को देखा ही नहीं है, अगर मुझसे कुछ हुलिया वगैरह पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी। हाँ ये बात तो ठीक है। खैर हम दोनों ही चलते हैं, यही अच्छा होगा। आपका मकान शहर से कुछ दूर है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा हुआ आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी, मैं पहरे का बंदोबस्त करता हूँ। रात को पुलिस आपके मकान पर निगरानी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर। अरे ये तो मेरा फर्ज है, आप यहाँ के जाने माने घराने के आदमी हैं। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता था, आप बेफिक्र रहिए। बस यही कहने आए थे, चलते हैं। अरे बैठिए, चाय मंगवाई है। नहीं अभी रहने दीजिए, मुझे जरूरी काम है। 5-6 मिनट की तो बात है कार्तिक। अरे रहने दीजिए इंस्पेक्टर, फिर कभी। ये कैसे हो सकता है, आप यहाँ फिर नहीं आने वाले? मैं आपको यहाँ आने नहीं दूंगा। ओ रेबा, तुम चाहो रुक जाओ चाय पियो, मुझे सचमुच जरूरी काम है। इंस्पेक्टर साहब रेबा रुक रही है, मुझे आज इजाजत दीजिए। जाएंगे आप? ठीक है फिर, नमस्ते। बस जल्दी आ जाऊंगा। शाम ढलने के पहले ही आ जाना। हाँ हाँ। गाड़ी चाहिए तो ले जाओ, आज मैं क्लब नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं काम नजदीक ही है, फिर घूमता घामता चलाऊंगा। नमस्ते। बहुत डर गई हो, सुनील से कहा कि आज शाम से पहले ही चले आना। डरने की बात ही तो है, हमारी जगह सुनसान जो है। चाय तुम बनाओगे कि मैं बना दूं? और सुनाओ रेबा, कैसी कट रही है? बस जैसी थी वैसी ही हूं। थैंक यू। क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? जो भाग्य में लिखा है उसे कौन टाल सकता है? तुम। और कितने दिन हैं आप हमारे शहर में? ज्यादा नहीं। क्यों, मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं? मुझे क्यों नहीं पसंद होगा, आप हैं तभी तो हम शिकायत लेकर सीधे आपके पास आए हैं। वो तो कोई दूसरा इंस्पेक्टर होता तो भी तुम आती। शायद नहीं भी आती, उन्हीं को भेजती। मैं चलती हूँ। तुम्हें भी कोई जरूरी काम है? नहीं ये बात नहीं, फिर भी जाना चाहिए, आप जरा ख्याल रखना। जरूर, और कोई खास बात हो तो इतला करना मुझे। ठीक है। इतनी देर से आए? हाँ? क्या हुआ, घबरा क्यों गए? नहीं वो तुमने इस तरह से कभी पूछा नहीं ना, इसीलिए। तुम ही तो कहते हो कि रात को कोई गुंडा हमारे घर को ताकता रहता है, ऐसी सूरत में रात से पहले घर आना ठीक नहीं है। हाँ वो खैर 8 ही तो बजे हैं, आइंदा जल्दी घर आ जाया करूंगा, और वैसे भी मैं जाता ही कहाँ हूं। तुम आज क्लब नहीं गई? नहीं मन नहीं हुआ।
पुलिस के आदमी रात में गश्त को कब निकलते हैं? क्या पता, शायद 10-11 बजे तक निकलते होंगे। आदमी है जैसे तुमने देखा था। हाँ? लगता है वही आदमी है। खाना लगा दिया है। रेबा, डरने की कोई बात नहीं है। पुलिस ने कहा है ना कि हमारी हिफाजत करेगी। पुलिस रात भर घर के सामने पहरा तो नहीं देगी ना, कभी कभी घूम जाएगी। उसी बीच 5 डाकू दरवाजा तोड़कर अंदर आएंगे तो? हाँ, घर में लाठी वाठी कुछ है ना? हाँ है, चलाएगा कौन? तुम? अब अपने आप इस सुनसान जगह पर मकान लेने की जरूरत क्या थी? अब छोड़कर भी तो नहीं जा सकते, लोग क्या कहेंगे? घर में 2 लठैत लगवा दें। लठैत खुद ही चोर बन बैठे तब? ये डाकू उनको घूस देकर भी तो खरीद सकते हैं, वही दरवाजा खोलेंगे। उससे बुढ़िया अन्ना ही ठीक है। हाँ, फिर सारे गहने भी तो तुम्हारे कमरे में ही है ना। तुम्हारे पिताजी के पास एक पिस्तौल थी, मरने से पहले वो थाने में जमा करवा दी थी, क्या वो हमें मिल सकती है? हाँ, मिल तो सकती है। फिर कल ही हम रमनी बाबू के पास जाएंगे, घर में पिस्तौल होना बहुत जरूरी है। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो अब खाना खा लें। आइए आइए, खैरियत तो है? नमस्कार। नमस्ते। 6 महीने पहले जब मेरे ससुर गुजर गए थे तब हमने उनकी पिस्तौल पुलिस स्टेशन में जमा करवा दी थी, क्या वो हमें मिल सकती है? यहाँ पर जमा करने की रसीद है? हाँ हाँ है। हाँ है। हाँ तो ठीक है, आप दरख्वास्त लिखकर दे दीजिए, पिस्तौल आपको वापस मिल जाएगी। लाइसेंस किसके नाम पर लेंगे? आपने पहले कभी पिस्तौल चलाई है? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना है, लाइसेंस इनके नाम दीजिए। सुनील बाबू, आपने पहले कभी पिस्तौल या बंदूक चलाई है? नहीं। हाँ, बहुत दिनों पहले पिताजी की पिस्तौल छुपाकर 4-5 बार गोली चलाई थी, बचपना था। काम तो आपने गैर कानूनी किया है। जिसके नाम लाइसेंस है उसको छोड़कर और किसी को भी अस्त्र व्यवहार करने का हुक्म नहीं है, पर इमरजेंसी और विपदा की बात अलग है, तब कोई भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लाइसेंस मेरे नाम पर ही बनवा दीजिए, मैं कल आपको दरखास्त लिखकर दे जाऊंगा। कल क्यों, आज ही कर दो ना। हाँ लिख दीजिए ना, शाम को मैं आपके घर पे आऊंगा खाली फॉर्मेलिटी के लिए तहकीकात करने, कल आपको पिस्तौल मिल जाएगा। लाइए मैं अर्जी लिखती हूँ, ये दस्तखत कर देंगे, और जब आप आ ही रहे हैं तो 8 बजे के करीब आइए ना, उस वक्त वो गुंडा वहां से गुजरता है। हाँ ये लीजिए। लगता है काफी डर गई हो। डर तो लगेगा ही, पहले इनका डर था, अब ये गुंडा आदम का। किसका डर ज्यादा है, सुनील का या? क्या पता, कभी कभी तो लगता है सब इनके हवाले करके चली जाऊं। वैसे भी हम समाज के सामने पति पत्नी हैं, बाकी कोई संबंध नहीं। लेकिन फिर मेरे ससुर के आखिरी शब्द याद आ जाते हैं, कह गए थे सारी संपत्ति मुझे दे जा रहे हैं ताकि मैं उसकी देखभाल करूं। तुम तो कह रही थी सुनील अब घर पर ही रहता है, ज्यादा कहीं आता जाता नहीं। वही तो अस्वाभाविक है,
घर में बैठे बैठे चुपचाप जरूर किसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। कैसे सब संपत्ति हासिल करूं? नहीं रेबा, तुम कुछ ज्यादा डर गई हो। कम ऑन, चीयर अप। अच्छा रमनी, तुम शादी नहीं करोगे? ये क्यों पूछ रही हो, तुम्हें तो सब मालूम है। पुरानी बातें भूल जाओ, जिंदगी ऐसी ही है। हम जो कुछ चाहते हैं वो क्या कभी होता है? क्यों नहीं हो सकता? देखो, मेरा तबादला वहीं हो गया जहाँ तुम हो। वो तो एक इत्तेफाक था। और भी तो इत्तेफाक हो सकते हैं। काश ऐसा होता। लो 8 बज गए, उस गुंडे के आने का वक्त हो गया। कौन सा गुंडा? वही गुंडा जिसको पकड़ने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया है, जिससे हिफाजत के लिए मैं पिस्तौल ले रही हूँ। सुनील कहाँ रह गया आज? हुकुम सिंह। अरे हुजूर, अरे आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? हमारा काम बन गया है। रेबा परेशान सी रहती है, आज रात गश्त पर मत जाना, क्योंकि वो इंस्पेक्टर हमारे घर आया हुआ है। मैं यही कहने तुम्हें आया था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अब रात में चक्कर लगाना बंद करो जब तक मैं ना कहूं। ठीक है। हाँ मुकुंद। सलाम हुजूर। हाँ मुकुंद सिंह, कैसे हो? बस दुआ है, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। ये तुम्हारा भाई है ना हुकुम सिंह? हाँ। कुछ होगा तो ये बताएगा ना? बताऊंगा। ठीक है, सलाम। अच्छा हुकुम सिंह। हाँ हुजूर। ये रखो रखो रखो, सब काम ठीक से हो रहा है, बस अगले कदम का इंतजार करो, मैं यहीं आकर बताऊंगा। ठीक है? पुलिस स्टेशन से पिस्तौल और लाइसेंस तो मिल गया। रमनी बाबू ने सचमुच हमारी मदद की है। रास्ते में दुकान से कारतूस भी खरीद लाया। अरे हाँ, ये कारतूस की रसीद है और ये है लाइसेंस। इस सबको तुम अपने पास रख लो हिफाजत से। इसे मैं क्या करूंगी, तुम ही रखो, जरूरत पड़ने पर तुम्हें ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं रखूं? हाँ, लाइसेंस भी तुम्हारे नाम है, मैंने इंस्पेक्टर से यही कहा था। वो दिन आ गया जिसका हमें इंतजार था। आज रात ठीक 8 बजे हमारे घर पर जाना, दरवाजा खटखटाना और समझ गए ना? समझ गया हुजूर, समझ गया। बस इतना ही है मेरे पास, रुपए देती कहाँ है मुझे? उसके जेवर जितने भी हों उसके बदन पर सारे के सारे उतार लेना। और हाँ, जायदाद मेरे नाम होने के बाद तुम्हें 10,000 रुपए और दूंगा, ठीक है ना? बहुत खूब। और हाँ, जो जो बताया है सब याद है ना? याद है। आप बेफिक्र रहिए, मैं अभी तैयार होकर अभी निकल जाता हूँ। 7:15 बजे हैं, ठीक 45 मिनट बाकी हैं। चलो, सुनकर अच्छा लगा, अब तुझे डरवर तो नहीं लगता? हाँ रेखा, क्या बताऊँ, 2 हफ्ते पहले मेरी क्या हालत थी, इस वक्त से मैं परेशान होती थी। रास्ते में वो गुंडा अब आया। अब तो तुझे डर नहीं लगता? अब तो सब ठीक है। चलो चलते हैं। अच्छा, अन्ना वो कहाँ गए हैं? जब ये आई थी तभी वो चले गए, कहकर गए हैं 8 बजे आएंगे। ठीक है, तू जाकर रसोई बना, मैं जल्दी खाकर सो जाऊंगी। जी। अन्ना तुम जल्दी से खाना लगा दो,
मैं दरवाजा खोलती हूँ। रेबा, हाँ? ए अन्ना, अन्ना ये रेबा को क्या हो गया? रेबा का खून हो गया हाँ? ये कुंडे ने रेबा को मार डाला, मगर मैंने भी कुंडे को मार डाला हाँ? उसकी लाश घर के बाहर पड़ी है, मैं भी पुलिस को इत्तला करके आता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, रेबा भगवान के पास चली गई। इंस्पेक्टर साहब, तुमने खूनी को खून करते हुए देखा? कब और कैसे? बताओ। मैं रसोई में थी, चीख सुनकर मैं बाहर आई। मैंने देखा एक खूंखार आदमी मालकिन का गला घोट रहा है। मैं बहुत डर गई, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर किसी तरह रसोई के अंदर जाकर मैंने कुंडी लगा दी। मुझे ऐसा लगा वो आदमी मुझे भी मार डालेगा। आप तब कहाँ थे? मैं भी घूमने निकला हुआ था, घर के पास आकर मैंने भी चीख सुनी। भागता हुआ मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और एक आदमी घर से बाहर निकल रहा है। मेरा सर चकरा गया इंस्पेक्टर, और मैंने तमाम गोलियां उसके सीने में उतार दी, और घर के अंदर आकर देखा तो आप पिस्तौल लेकर घूमने जाते हैं? बोलिए। हाँ, पिस्तौल का लाइसेंस मेरे ही पास है और मैं हमेशा पिस्तौल अपने पास रखता हूं। पिस्तौल दीजिए, मैं उसे जब्त करता हूं। तो यह है रेबा और उसके पति सुनील की कहानी। मैंने आपको तरतीब बार सब सुना दिया, जैसा कि सब हुआ होगा। सुनील बेवकूफ तो है, लेकिन साथ साथ में अकलमंद भी है। हकीकत तो यह है कि हुकुम सिंह उसके घर में घुसा, उसने उसकी पत्नी की हत्या की और उसके सारे जेवर लूटे। इसलिए हुकुम सिंह का खून करने का हक सुनील का बनता है। उसने एक ईंट से दो चिड़ियां मारी, अपने पिता की सारी जायदाद हथिया ली और अपने कुकर्म के एकमात्र गवाह हुकुम सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया। रेबा की कोई वसीयत थी नहीं, इसलिए उसके गुजर जाने के बाद कानूनन वही मालिक बन बैठा। कोई रास्ता निकाले व्योमकेश बाबू। जब भी सुनील को देखता हूं तो यही लगता है कि इतना बड़ा धूर्त और बदमाश कानून को अंगूठा दिखाकर धड़ल्ले से मजे उड़ा रहा है। यह बात हजम नहीं होती। समझ लो कि रास्ता निकल गया। रेबा के हाथ की लिखाई मिल सकती है? हाथ की लिखाई? फर्ज करो कि उसने मेरा ऑटोग्राफ मांगा हो। लड़कियों की अक्सर इस तरह की कमजोरी होती है। अगर हम ये समझ लें कि रेबा ने मुझे 6 महीने पहले खत लिखा हो मेरा ऑटोग्राफ मांगने के लिए, और साथ ही साथ उसने ये भी लिखा हो कि उसका पति संपत्ति के लिए उसका खून करना चाहता है, अकस्मात अगर उसकी मौत हो जाए तो मैं उसके खून की छानबीन करूं। समझा, मतलब कि आप एक फर्जी खत तैयार करवाएंगे, उसे सुनील को दिखाएंगे और फिर उसका जुर्म कबूल करवाएंगे। हाँ, जुर्म कबूल करवाने की कोशिश तो करूंगा। अगर डर के मारे वो जुर्म कबूल करेगा तो ही तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, मैं कैसे भी करके रेबा के हाथ की लिखाई हासिल करता हूँ। और कुछ? रेबा का कोई निजी लेटर पैड था? था, वो भी ले आऊंगा। और एक टेप रिकॉर्डर, जब सुनील बाबू अपना बयान दे तो रिकॉर्ड करना जरूरी है सबूत के तौर पर। ठीक है, मैं सब ले आऊंगा, मैं आज ही से लग जाता हूं। ठीक। माफ कीजिएगा सुनील बाबू। अरे इंस्पेक्टर रमनी, रेबा हत्याकांड के सिलसिले में मैं
एक बार फिर से आपके घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ, शौक से, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि आप इस केस को जल्द से जल्द सुलझाएं। आओ। हाथ की लिखाई? जी, रेवा के हाथ का लिखा हुआ पत्र है। और टेप रिकॉर्डर? वो भी मिल गया है। चलिए बस उसे भी ले आइए, शुभकाम में देरी नहीं करनी चाहिए। मैं आपको एक और चिट्ठी लिख कर देता हूँ, उसे आप किसी के हाथ हो सुनील बाबू के यहाँ भिजवा दीजिएगा। ठीक। इस तरह से पहले कभी कोई केस सुलझाया आपने? देखिए, हर समस्या अपनी तरह की एक नई समस्या होती है, इसलिए उसका समाधान भी अलग होता है। अगर एक ही तरह से केस नहीं सुलझ जाए तो फिर दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। ये सुनो तो, प्रिय सुनील बाबू, आपकी पत्नी से जान पहचान पत्रालाप से हुई थी। सुना है उनका स्वर्गवास हो गया, सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कुछ दिनों से इस शहर में एक डाक बंगले में रह रहा हूँ। अगर आज शाम को 5 बजे डाक बंगले में आकर मुझसे मुलाकात करें तो आपकी पत्नी ने जो मुझे आखिरी चिट्ठी लिखी थी वो आपको दिखा सकता हूँ। ये चिट्ठी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, ब्योमकेश बख्शी। इस चिट्ठी को आप सुनील बाबू के पास भिजवा दीजिएगा, लेकिन इतना ख्याल रखें कि जैसे भी आप भिजवाएं उन्हें ये पता ना चले कि मैं पुलिस से जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा। क्या लिखा है ये चिट्ठी? इसको कहीं बीच में से फाड़ा गया है, लेकिन आज ही न सिर है न पांव, ये सोच रहा हूं। जो ये टुकड़ा मिला है उसमें लिखा क्या है? लिखा है, पत्नी की तरफ अगर पति का कोई कर्तव्य न हो तो पति की तरफ पत्नी क्यों कर्तव्य परायण बनी रहे। हम आज के जमाने के लोग हैं, हम क्यों पुरानी रीति रिवाजों में जकड़े रहे। ये चिट्ठी रेवा ने शायद अपनी किसी सहेली को लिखी हो और वहीं से रमणी बाबू ने चिट्ठी ली हो। हो सकता है कि वो सहेली अपना परिचय नहीं देना चाहती हो। सकता है, नामुमकिन तो नहीं। चलो रीवा के हाथ की चिट्ठी लिखते हैं। अजीत लो इसे पढ़ो। श्रद्धेय ब्योमकेश बाबू, आपकी चिट्ठी और ऑटोग्राफ वाली फोटो पाकर इतनी खुशी हुई कि क्या बताऊं। आपकी उदारता देखकर मैं भी अपनी कुछ बातें आपको लिखने का साहस कर रही हूं। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरे पति कुछ कम अकल के और चरित्रहीन हैं। इसीलिए मेरे ससुर मरने के बाद सारी संपत्ति मुझे सौंप कर गए हैं। मैं अपने पति को उसमें हाथ भी नहीं लगाने देती। मुझे शक है कि संपत्ति हथियाने के लिए वो मुझे मार डालने का षड्यंत्र कर रहे हैं। एक गुंडा मेरे पीछे लगा दिया है, कब क्या होगा मैं कुछ कह नहीं सकती। अगर आपको कभी मेरे अकस्मात मृत्यु की खबर मिले तो कृपया उसकी छानबीन करें। आप सत्यान्वेषी हैं, सत्य की खोज करना आपका काम है। आशा है कि एक असहाय नारी की मृत्यु सुनकर आप चुप नहीं बैठे रहेंगे। प्रणाम और चरण स्पर्श, इति निवेदक रेवा सरकार। अब एक काम करो, इसकी एक फोटोस्टैट कॉपी करवा लो। ठीक है। अरे आइए आइए इंस्पेक्टर, आइए। आ जाओ बेटे, तुम अंदर वाले कमरे में जाकर सब फिट कर दो। जी सर। फिलहाल तो सब ठीक ठाक है, आपने चिट्ठी भिजवा दी? भिजवा दी, वो अब जरूर आएगा। जिसके मन में पाप है वो ऐसे चिट्ठी पाकर अवश्य आएगा। उसकी बीवी ने उसमें क्या महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं वो जरूर जानना चाहेगा। सर कुछ बोलिए, टेस्टिंग करना है।
हेलो हेलो, आज शाम 5 बजे सुनील सरकार गिरफ्तार होने वाला है। धन्यवाद व्यंकेश बाबा। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप और बिरेन उस बेडरूम में छुपे हुए होंगे ताकि सुनील बाबू को यह पता ना चले कि पुलिस भी इसमें शामिल है। अजीत बाबू और मैं यहीं बैठक में होंगे। जब सुनील बाबू आएंगे, जब वो अपना बयान दे रहे होंगे, तो आप उचित वक्त पर चले आइएगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हथियार और पिस्तौल आपके पास ही रहेंगे। ठीक है, मैं टाइम पर आ जाऊँ। ठीक है, नमस्कार। ब्योमकेश बाबू, सुनील बाबू आइए आइए। कहिए सुनील बाबू। चिट्ठी। ऊंचे दर्जे के कलाकार हैं, अच्छा नाटक कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को जितना भोला भाला दिखा रहे हैं उतने बेवकूफ आप हैं नहीं। बैठिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, जब आपने बेवकूफी का नाटक करने की ठानी लिया तो उस पर बहस करने की क्या जरूरत है। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूं। सुनील बाबू, मुझे सब पता लग चुका है। आपने अपनी पिता की संपत्ति को हासिल करने के लिए 2 खून किए हैं। पहले आपने हुकुम सिंह द्वारा अपनी पत्नी का खून करवाया, फिर आपने अपनी पिस्तौल से हुकुम सिंह को भी उड़ा दिया। वो तो आपके षड्यंत्र का साथी था, इसीलिए उसे रास्ते से हटाना बहुत जरूरी था। आज अगर जिंदा होता तो जरूर आपका शोषण करता। 1 तीर से 2 शिकार किए आपने। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या कह रहे हैं आप? रेबा को एक गुंडे ने, जिसका नाम हुकुम सिंह है, गला घोटकर मारा है। अन्ना को मालूम है, उसने अपनी आंखों से देखा है। सुना आपने, रेबा को हुकुम सिंह ने मारा है। हुकुम सिंह भाड़े का आदमी था, उसे तो आपने पैसे देकर काम करवाया है। जी नहीं, ये सब झूठ है। वो खून मैंने नहीं करवाया। रेबा मेरी पत्नी थी, मैं उससे प्यार किया करता था। रेबा से आप कितना प्यार करते थे, इसका सबूत मेरी जेब में है। रेबा की चिट्ठी, वही तो देखने आया हूं। जरा दिखाइए क्या लिखा है उसने आपको। इसे फाड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। ये फोटोस्टैट कॉपी है, असली चिट्ठी मेरे पास सुरक्षित है। अच्छा, तो ये बात है। ये तमाम कारस्तानी इंस्पेक्टर रमनी की है। मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। व्योमकेश बाबू, रेबा की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है मालूम है? कौन? ये इंस्पेक्टर रमनी। इंस्पेक्टर रमनी जिम्मेदार है? मतलब नहीं समझे? इंस्पेक्टर रमनी रेबा के जिगरी दोस्त थे, जिसको कहते हैं प्रेमी। इसीलिए तो ये मुझसे इतनी नफरत करता है। इसी वजह से तुमने अपनी पत्नी का खून करवाया? जाली चिट्ठी दिखाकर मुझे पकड़ना चाहते थे। मगर सुनील सरकार को पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करिए, फिर मैं भी देखता हूं। कानून मुझे भी आता है। सुनिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या इंस्पेक्टर रमनी की वजह से आपने रेबा का खून करवाया है? हां, इसी वजह से। क्या कहा?
कहा कि मैंने खून नहीं करवाया। पकड़ा नहीं गया। ये मुकुंद सिंह कौन है? हुकुम सिंह का भाई, अपने भाई के खून का बदला ले लिए। बीरेन तुम यहीं रहना। सुनील ने कानून को धोखा जरूर दिया, लेकिन होनी को टाल नहीं सका। कभी कभी गुंडे भी नैतिक समस्या को सुलझा देते हैं। एक समस्या का तो समाधान हो गया, लेकिन साथ ही साथ एक समस्या और पैदा हो गई है। मुकुंद को पकड़ना है। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ व्योमकेश बाबू। सुनील का आरोप तो सच है ना? क्यों? जी हाँ, मैं और रेबा एक ही शहर में रहते थे, एक ही मोहल्ले में। हम एक दूसरे से प्यार भी करते थे। वो एक अमीर घराने की लड़की थी। उसके बाद उसकी शादी इस राक्षस से हो गई। इत्तफाक से मेरा तबादला इसी शहर में हो गया। मेरी रेबा से दो एक मुलाकातें भी हुई, लेकिन सुनील को इस बात का पता चल जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था, न मैंने न रेबा ने। फिर रेबा के गुजर जाने के बाद मेरे दिल में बदले की आदत उठी। मैंने आपकी मदद भी ली, लेकिन वो जो चिट्ठी का टुकड़ा दिया था आपने, वो चिट्ठी रेबा ने आपको लिखी थी? जी हाँ, हमारी मुलाकातें ज्यादा नहीं हुआ करती थी। वो अक्सर चिट्ठियां लिखकर मुझे अपना मन हल्का कर लिया करती थी। खैर, अब वो टेप रिकॉर्डर में दर्ज किए बयान का क्या करें? क्या किया जाए, मिटा दीजिए। वही पुरानी प्रेम कहानी, पति पत्नी और पत्नी का प्रेमी। इस त्रिकोण में इंस्पेक्टर रमणी है अदृश्य त्रिकोण। क्या?